कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल CMCIT प्रोग्राम में। मैं हूँ रोशन और आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखने वाले हैं कि MS Excel में जो सीट होते हैं, सीट को रीनेम करना, सीट को डिलीट करना, सीट को मूव और कॉपी करना और साथ ही जानेंगे सीट को इंसर्ट करना। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, एक दूसरे को साथ शेयर करें और नई वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, यहाँ पर एक आपको लेजर शीट ओपन किया गया है और इस में हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम सीट को रीनेम करना जानते हैं, उसके बाद हम सीट को डिलीट करना जानेंगे, उसके बाद सीट को मूव और कॉपी करना जानेंगे, बहुत सारे फीचर्स जानेंगे। बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए सीट वन है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, तो सीट वन को यहाँ पे हम यहाँ से हम क्या करते हैं, एक सीट इंसर्ट करते हैं। ठीक है, अभी हाल फिलहाल यहाँ पे एक सीट, दो सीट, तीन सीट आपको इंसर्ट है। जब भी हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट करने के बाद आपको क्या होगा, एक डायलॉग बॉक्स आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है, फिर ध्यान दें यहाँ पे जो सीट वन है, सीट टू है, सीट थ्री है, इसे सीट टैब कहते हैं। कोई भी सीट में आपको जहाँ इंसर्ट करना हो, जरूरी नहीं है कि सीट वन में, जो भी सीट में आप इंसर्ट कर सकते हैं, राइट क्लिक कीजिए और इंसर्ट कीजिए। जब भी इंसर्ट करेंगे तो इस तरह का आपको डायलॉग बॉक्स यहाँ पे प्रेजेंटेशन होगा और यहाँ पे वर्कशीट सिलेक्ट है ही, अगर नहीं रहे तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है और ओके करना है। जब भी ओके करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, आपको सीट फोर इंसर्ट हो जाएगा। कहाँ पे, सीट जो सीट में सिलेक्ट किया गया है, सीट के आगे। ठीक है, तो इस तरह हम सीट को इंसर्ट कर सकते हैं, इजीली इंसर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आगे आगे हम क्या करते हैं, तो सीट को इंसर्ट के बाद हम क्या कर सकते हैं, तो रीनेम कर सकते हैं। ठीक है, तो डिलीट हम बाद में सीखेंगे, पहले रीनेम करना सीखें। तो मान लीजिए जब भी हम रीनेम में क्लिक करेंगे तो इस तरह आपको सीट हाईलाइट होगा। ठीक है, सीट वन है, मान लीजिए यहाँ पे हम CMC करते हैं। ठीक है, जब भी CMC करेंगे और कंप्यूटर कर देते हैं, जब भी CMC कंप्यूटर, तो ये जो सीट आपको वन था वो आपको रीनेम होकर CMC कंप्यूटर हो चुका है। तो जब भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो CMC कंप्यूटर में क्लिक करेंगे तो लेजर सीट। ठीक है, फिर यहाँ से रीनेम कर सकते हैं, देख रहे हैं यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और रीनेम करेंगे। रीनेम करने के बाद में यहाँ पे हम सिर्फ लेजर सीट, ठीक है, लेजर सीट आपको जो नेम से आपको सीट बनाया गया है, आपको इस सीट में है, वो आपको दे देने से क्या होगा, हमें पता चलेगा कि इस तरह का सीट है, यहाँ पे लेजर सीट इंसर्ट किया गया है। ठीक है, तो इस तरह हम किसी भी सीट को रीनेम इजीली कर सकते हैं। तो चलिए आगे का ऑप्शन में चलते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और मूव और कॉपी सीट। मूव और कॉपी सीट क्या होते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे जो है मूव और कॉपी शीट में किसी भी सीट को कॉपी कर सकते हैं। मान लीजिए मूव और कॉपी शीट करेंगे तो यहाँ पे जो दिया गया है, सीट फोर है, सीट टू है, सीट थ्री है और लेजर सीट है, आप किस सीट को कॉपी करना चाहते हैं। ठीक है, तो सीट लेजर सीट को क्या करना चाहते हैं, मूव और कॉपी सीट मतलब कॉपी करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको जो सीट को कॉपी करना है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, क्रिएट अ कॉपी में क्लिक करेंगे। तो जब भी ओके करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं लेजर सीट का टू कॉपी हो चुका है, ये पहले का है और ये आपको जो लेजर सीट का आपको जो है कॉपी किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह हम मूव और कॉपी सीट के माध्यम से हम किसी भी सीट को हम कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे दो सीटें हैं, एक सीटों को यहाँ पे डिलीट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट करें और जब भी डिलीट करेंगे तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आपको यहाँ पे आएगा और यहाँ पे शो कर रहा है मैसेज में कि डाटा में एग्जिस्ट इन द सीट सिलेक्टेड फॉर डिलीशन टू परमानेंटली डिलीट द डाटा प्लेस डिलीट। अगर आप डिलीट में क्लिक करते हैं तो ये आपको सीट डिलीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लेजर सीट है, ठीक है, सीट टू है, सीट थ्री है, अगर सीट फोर को आप डिलीट करना चाहते हैं तो इसमें भी राइट क्लिक कर दें, डिलीट कर दें, डिलीट हो जाएगा। सीट टू में इसको भी राइट क्लिक कर दें, डिलीट करें, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, तो हम सीट को हम डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे जब भी क्लिक करेंगे तो ये आपको बटन है इंसर्ट वर्कशीट। ठीक है, तो आगे के ऑप्शन में चलते हैं, तो इंसर्ट, डिलीट, रीनेम, मूव और कॉपी हम इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर सीट के जो कलर चेंज करना है, अगर मान लीजिए ये सीट है, अगर आपको टैब कलर मतलब सीट का कलर चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टैब कलर अप्लाई कर सकते हैं। जो भी कलर अप्लाई करेंगे वो कलर आपको क्या होगा, यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। मान लीजिए सीट थ्री में क्लिक करते हैं तो देख रहे हैं यहाँ पे कलर अप्लाई हो चुका है, सीट सिक्स में करेंगे कलर अप्लाई हो चुका है। ठीक है, तो आज का ट्यूटोरियल था जिसमें हमने जाना कि MS Excel में सीट को इंसर्ट करना, रीनेम करना, मूव और कॉपी सीट करना, डिलीट करना और साथ ही जाना कि सीट में टैब कलर सेट करना। इसके साथ साथ आज का ट्यूटोरियल यहाँ पर ख़त्म होता है और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, एक दूसरे के साथ शेयर करें और नई वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे बहुत सोशल मीडिया से आप कमेंट कर सकते हैं ताकि सॉल्यूशन कर सकूँ। धन्यवाद।